नमस्ते, संगीता शर्मा के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठी गुजिया या करंजी। ये करंजी सभी को बहुत पसंद आती है, तो आइए हम बनाते हैं मीठी गुजिया। मीठी गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, एक छोटी कटोरी रवा, एक कटोरी पिसी हुई शक्कर या खांड, एक कटोरी क्रश किया हुआ मैंने नारियल लिया है, चारोली, काजू कटे हुए, बादाम कटे हुए, मैदा में मोयन डालने के लिए देसी घी और रवा सेकने के लिए, किशमिश, इलायची और रोज एसेंस, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले एक बर्तन में हम मैदा डालेंगे, इसमें 2 छोटा चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए कड़क आटा लगा के तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है हमें, नहीं तो आपकी गुजिया एकदम नरम बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा कड़क आटा लगाएं। देखिए हमारा डो तैयार हो गया, इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। हमारा डो सेट होगा तब तक हम स्टफिंग के लिए मिश्रण तैयार कर लेंगे। एक पैन गरम करके रखेंगे, उसमें घी डाल देंगे हम थोड़ा। घी मेल्ट हो गया, रवा डालेंगे। रवे को मीडियम आंच पे लगातार चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है हमें। देखिए गोल्डन कलर का सिक गया है, इसमें खुशबू भी आ रही है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है, यदि छोड़ देंगे तो तले में लग जाएगा। देखिए हमारा रवा सिक के तैयार हो गया है, अब हम इसमें एक एक करके सभी ड्राई फ्रूट डाल देंगे, बादाम, काजू, चारोली, किशमिश, पिसा हुआ खोपरा, इलायची पाउडर, सबको मिक्स कर लेंगे हम। ये मैंने रोज एसेंस लिया है, मैं इसमें 2 बूंद डालूंगी जिससे गुजिया का स्वाद बहुत अच्छा आएगा, ये ऑप्शनल है। और एक बार फिर मिक्स कर लूँगी। सबसे लास्ट में शक्कर का बूरा डालेंगे हम, क्योंकि हमारा मिश्रण थोड़ा ठंडा भी हो गया है, और पूरा अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे। देखिए गुजिया में भरने के लिए हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, अब हम गुजिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए हमारा गुजिया का आटा तैयार हो गया है, इसमें से हम लोइया बना लेंगे तोड़ के। दोनों अटेले की सहायता से हम लोई बना लेंगे इस तरह से, पूरे आटे के गोल गोल लोइया बना के रख लेंगे पेड़े की तरह। देखिए हमने लोई बना के तैयार कर ली है, अब हम इसको बेलेंगे पूरी के जितना। थोड़ा सा बेलन पे घी लगा लेंगे हम और थोड़ा सा मिर्ची भी लगा लेंगे। सांचे के ऊपर हम रोटी को रख लेंगे और 1 चम्मच हम इसमें मिश्रण रखेंगे और इसको हाथ से दबा के अच्छे से सेट कर लेंगे, और ये ऊपर वाला भाग इसको हम इस पलट देंगे और अच्छे से हाथ से दबा के इसको सेट कर लेंगे, और जो साइड का है वो हम निकाल देंगे। सांचे को उठाएंगे, धीरे से हाथ पे लेंगे, इस तरह से हम सभी गुजिया बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है, अब हम इनको तल लेंगे। इनको गरम करने रख देंगे हम, ये गरम हो गया है, एक एक करके हम इसमें गुजिया डाल देंगे। बहुत तेज़ गरम नहीं करना है हमें, और एकदम धीमी धीमी आंच पे गरम करें और तले भी कम आंच पे, ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाए, नहीं तो ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। गुजिया को डालने के बाद तुरंत नहीं पलटना है, ये अपने आप ऊपर आएगी, तभी इसे हल्के हाथ से पलटना है फोर्क की सहायता से, इस तरह से, और हल्के गोल्डन होएगी तब तक उसको सेकना है पलट पलट के। गुजिया का साँचा आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, किसी भी बर्तन की दुकान पे या कहीं भी आपको आराम से मिल सकता है। धीमी धीमी आंच पे इनको सेकना है,
यदि तेज आँच पे सेकेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए हमारी गुजिया सिक के तैयार हो गई है। अब हम एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे। देखिए हमारी गुजिया बन के तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। एकदम ये ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप कोई भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं और आराम से 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। इस दिवाली के मौके पर आप भी ज़रूर बनाइए गुजिया और अपने अनुभव लिखकर मुझे बताइए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।